शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। नमस्कार। सभी ग्रह हमारे अनुकूल हो ये प्रार्थना हम लोग करते हैं। और कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करते हैं। ग्रह कोई अलग से नहीं आते हैं, वो आपकी ऑरा जो होती है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, उसमें वो सूक्ष्म एनर्जी के फॉर्म में ही वो चीज आती है और जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। राहु आ गया, शनि आ गया। राहु और शनि फिजिकल फॉर्म में नहीं आएगा, एनर्जी फॉर्म में आएगा, आपकी ऑरा के अंदर आएगा, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। तो हाउ टू डिटेक्ट नेगेटिव एनर्जी या हाउ टू डिटेक्ट मैलेफिक प्लैनेट्स राहु सैटर्न जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, जो आपको फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं लेकर एंटीना। लेकर एंटीना आपका क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी का एक डिवाइस है, एनर्जी डिवाइस है। क्वांटम सेंसर इसमें नीचे ये सेंस कर लेता है, अलग अलग जो वेवलेंथ है उसके हिसाब से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कई चीजों को, बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करता है ये एंटीना। तो अब हम पहले क्या करते हैं, इसको 3.3 वेवलेंथ पे न्यूट्रलाइज करते हैं प्रीवियस रीडिंग को। ये इसका तरीका, पकड़ने का तरीका भी यही होता है। तीन उंगली के ऊपर ये एंटीना आता है, इसको आपने जस्ट टू फील इट, जस्ट टू ऑब्जर्व इट, आपने इसको देखना है, ये आपका तरीका हो गया पकड़ने का। अब हम चेक कर रहे हैं कि जो ऑरा है हमारी उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कोई नजर तो नहीं है। उसको आम भाषा में तो नजर कहते हैं, नजर दोष लगाएगी, कोई ऊपर का चक्कर हो गया, ऊपरी छाया आ गई है, राहु की पीड़ा है, शनि की पीड़ा है, कुछ भी कह लीजिए, पर हम उसको चेक करेंगे 6.6 वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ है इसको बोलते हैं हार्मफुल एनर्जी लेयर वेवलेंथ। ये डिटेक्ट करती है हार्मफुल एनर्जी लेयर को। अब इसका डिटेक्ट करने का तरीका, अगर एग्जिस्ट कर रही है सिस्टम में तो ये ऐसे जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये ऐसे जाएगा। अब हम यहाँ पे है चीयर्स सॉल्यूशंस ऑफिस में है और यहाँ का जो स्टाफ है, हम चाहते हैं कि स्टाफ बिल्कुल एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे, अच्छा बढ़िया काम हो, डलनेस न रहे। तो उसके लिए जरूरी है कि नेगेटिव एनर्जी की लेयर आपकी ऑरा में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी ही सस्टेन रहनी चाहिए। तो करते हैं एक एक करके स्कैन यहाँ पे। आप आइए, आपका क्या नाम है? मेघा। मेघा जी को पहले स्कैन कर लेते हैं कि इनके ऊपर कोई हार्मफुल एनर्जी का लेयर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। मेघा जी, मेघा जी का आप बिल्कुल क्लियर है, कोई हार्मफुल एनर्जी का लेयर नहीं है। आप आ जाइए। मनु जी है, कपिल। अच्छा कपिल, कपिल ओके, आपका भी कोई नहीं है, आप आइए। आपका नाम क्या है? अंजनी। पर ये मोबाइल साइड पर ना, क्योंकि मोबाइल जो हाथ पकड़ते हो ये भी एक प्रकार की रेडिएशन पैदा करता है, इसको बोलते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्रिएट करता है। इसलिए मोबाइल को सिर्फ जब इस्तेमाल करना तभी यूज करना है, ठीक है? आपके ऊपर भी नहीं आ रहा है। आओ जी, शील जी। अभी ये आपके ऊपर तैयार है सर, ये ठीक है। तो ये जो ऑरा है आपकी, उसमें जो नेगेटिव एनर्जी का लेयर है उसको दूर करने के कई तरीके हैं। तो अब हम यहाँ पे इनको कैसे हील करना है, ओनली थ्रू दिस डिवाइस लेकर एंटीना, उसी से हम हील करेंगे। तरीके हजारों हैं, पर हम इस डिवाइस से कैसे हील करेंगे अभी आपके सामने दिखाते हैं। अब हमारे पास शील जी है और हमने यहाँ स्टाफ का चेक किया तो किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का लेयर नहीं था, यानी नजर नहीं थी, मोटे शब्दों में, और शील जी के ऊपर आ रही है। अब शील जी को कैसे हील करेंगे, हमारे पास कोई और जरिया नहीं है, सिर्फ हमें इसी एंटीना का यूज करना है। ये एनर्जी देता भी या लेता भी, ऐसा नहीं, दोनों तरीके से काम करता है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, पहले इसको हम 3.3 वेवलेंथ पर लाएंगे और इसको पहले हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब आप न्यूट्रलाइज करते हैं, अपने इष्ट देवता का ध्यान कर लीजिए, जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उसका ध्यान कर लीजिए। अब ये क्लीन हो गया, क्लींजिंग इसकी डिवाइस की भी क्लींजिंग हो जाती है। अब हम क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल नीचे ले आएंगे। ये आपका है 17.6 हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी, ठीक है? ये देवी है, जो क्षमता है, देवी जो शक्ति है उसको इन्वोक करता है, ये एनर्जी को, जो डिवाइन एनर्जी है उसको इन्वोक करता है, जातक की तरफ उसको ट्रांसमिट करता है। अब मैंने इसको 17.6 पर फिक्स किया। अब मैं क्या करूंगा कि नीचे से ऊपर की तरफ, बीच में मैं रुकूंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर जो है अपने राइट से जाऊंगा, यहां रुकूंगा, फिर लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, स्वस्तिक बनाऊंगा, स्वस्तिक या प्लस का साइन, प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव। तो यू हैव टू क्रिएट द साइन ऑफ प्लस,
बट डायरेक्शन आपको जो है नीचे से अप यानी डाउन टू अपवर्ड और राइट टू लेफ्ट इस तरह से डाउन बनाना है और इसमें कम से कम 10 टाइम्स आपको ये प्लस बनाना है 10 टाइम्स कम से कम ठीक है। और आप हाथ जोड़ लीजिए और अपना इष्ट मंत्र जो भी है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तो आंखें बंद रखनी है आपने ओम नमः शिवाय ही बोलना है ठीक है। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं हीलिंग देना सिर्फ लेकर एंटीना के माध्यम से हमने क्या किया इनको रेकी दी हमने जो है एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट करी थ्रू लेकर एंटीना। अब हम इसको रीचेक कर रहे हैं रीचेक करने के लिए भी फिर हम इसको पहले न्यूट्रलाइज करेंगे 3.3 वेवलेंथ पर न्यूट्रलाइज करेंगे और अगेन 6.6 पे इसको सेट करेंगे 6.6 हार्मफुल एनर्जी लेयर वी आर डिटेक्टिंग हियर हार्मफुल एनर्जी लेयर। तो अब हमने ये चेक करना है कि शिव जी के ऊपर हार्मफुल एनर्जी लेयर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही ठीक है सर है कैसे भी देख लो अभी आज तक नहीं जाएगा ठीक। तो हमने कुछ नहीं किया सिंपल ये डिवाइस यूज किया ये एनर्जी को अगर स्कैन करता तो एनर्जी को ट्रांसमिट भी करता है पर टेक्निक एक प्रॉपर टेक्निक आप फॉलो करनी है और उस प्रॉपर टेक्निक से आप इनके चक्रास जहां पर ब्लॉकेज दिख रही है जहां पर एनर्जी या रेजोनेंस घटा हुआ है उसको आप उसको भी आप हील कर सकते हैं उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस और लेकर ओम शांति।